बिरयानी के लिए ली हैं हमने वेजिटेबल्स, ये गाजरे हैं, ये देखें ये इस तरह लंबाई के रुख कटी हुई हैं, हरा प्याज है, शिमला मिर्च है वो भी हमने ऐसे बारीक और लंबे रुख काटी है, बंद गोभी है, मटर है और चिकन है, और हमारे पास ये प्याज है तकरीबन 2 से 3 दरमियाने साइज की। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, हम बताते हैं कि क्या करते हैं। गोश्त को हम इसमें फ्राई करेंगे। चिकन का मसाला हमारा रेडी हो गया है। प्याज देखिए बिल्कुल गल गई है, हमने बिल्कुल बारीक चॉप की हुई डाली थी ये देखिए, और अब हम इसमें मटर डालेंगे और फ्राई करेंगे। तो अच्छी तरह फ्राई करना है। मटर फ्राई भी हो गए हैं और जो थोड़ा सा हमने पानी डाला था उसमें गल भी गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे केचप। केचप हमारे पास है 3 to 4 टेबलस्पून। मीडियम फ्लेम पर इसको केचप को फ्राई करें। अब हम इसमें गाजरे और हम इसमें हरी मिर्च जो है ये इसमें डालेंगे। अब ये देखिए ये हमारा जो है ये चिकन का मसाला जो है ये तैयार है। अब हम इसमें ये बंद गोभी और शिमला मिर्च और हरा प्याज इसमें डाल देंगे। ये हरा प्याज इसको हल्का सा हमने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना। चावल हमने लिए है ये कायनात का। कायनात का चावल जो है ये बहुत ही जायके में मज़े का होता है और चावल भी बहुत खिला खिला और खुशबूदार होता है। तो इसको मैंने आधा घंटा इसको भिगोया है। अब हम इसको हल्का सा बॉईल करेंगे। पानी बॉईल हो गया है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें नमक का, और इसमें वो जो सोक्ड राइस हैं वो हम इसमें डालेंगे। और इतनी देर हमने उबालने हैं कि चावलों की जो है एक कन्नी जो है वो कच्ची रह जाए, ज़्यादा हमने इनको नहीं पकाना। बस चावल को अब जरा बॉईल आने देना है, ज्यादा इसको नहीं हिलाना। चावल बॉईल हो रहे हैं ये अंदाज तकरीबन ये जो है 6 से 7 मिनट तक ये चावल बॉईल हो जाएंगे। इतनी देर में हम जो है ये हमारा बिरयानी का जो मसाला है
चाइनीज वेजिटेबल बिरयानी, इसमें हम थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे 1 टी स्पून टेस्ट के लिए। चले चलते हैं दोबारा चावल की तरफ। और नमक भी आप टेस्ट कर लें, नमक अगर हल्का है तो वो भी डाल लें। चावल ये देखें कैसे खिले खिले बन गए। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये मेरे ख्याल में देखें, हाँ जी ये ऑलमोस्ट बॉयल हो गया। अब हम इसको पानी को पलट देंगे। चावल ये देखें हमारे जो है ये हमने निकाल लिए। अब हम इसको देखें इस पे तेल लगाएंगे। नीचे थी हमारा ये बिरयानी, अब ये हम ऊपर चावलों की तह निकाल रहे हैं, लगा रहे हैं। हाफ जो है मैंने बिरयानी जो है वो दूसरे बर्तन में निकाल ली है और आधी तह जो है हम राइस के ऊपर लगाएंगे। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। अब हाफ तह जो है, आधी वेजिटेबल जो है ये मैं इसके ऊपर जो है वो रख रही हूँ। आपने फूड कलर देना हो, बिरयानी का कलर देना हो तो आपकी मर्जी है, स्किप करना हो तो आपकी मर्जी। और ये आप रेसिपी ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये सारी वेजिटेबल जो है ये सर्दियों की है और नई और मज़ेदार जो है ये रेसिपी है, आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी और बच्चे भी जो है इसको बहुत शौक से खाएंगे। हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। चलें जी, ये तय हमारी 3 लेयर्स जो हैं ये कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे सोया सॉस ऊपर से और इसको हम दम पे लगा देंगे। हल्का सा हमने डाला है सिरका और ये मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, ऑलमोस्ट 2 टेबल स्पून सोया सॉस। थोड़ी सी ये वेजिटेबल जो है ये मेरी बगैर फ्राई की हुई कच्ची ये मैंने रखी हुई थी एक साइड पे, इसमें स्प्रिंग अनियंस हैं और बंद गोभी और थोड़ी सी शिमला मिर्च फ्लेवर के लिए, ये भी हम ऊपर से डाल देंगे। दम के लिए थोड़ा सा पानी अगर आपने डालना हो 2-3 टेबल स्पून तो आप डाल सकते हैं और इसको हम कवर करके रख देंगे। ये लें जी, आपने रुमाल से दम देना है तो आप रुमाल से भी दे सकते हैं और अगर आपने इस तरह आपने कवर रखना है तो आप ये भी रख सकते हैं और फ्लेम होगा हमारा लो और इसको हम रख लेते हैं 10 मिनट के लिए। बहुत ही मज़े के खुशबूदार राइस बने हुए। अब हम इसको तह को जो है ना सेट करते हैं। ले ले ये मज़े की चाइनीज बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इसको सर्व करते हैं। घर वाले इंतज़ार में हैं इसको खाने को। तो चलते चलते मैं कहूँ, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है, आपको मज़े की लग रही है, तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।